हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारबेक्यू नेशन वाला क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा पानी, साथ ही डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक और इसमें फिर मिलाएंगे लगभग 250 ग्राम जितना स्वीट कॉर्न। ये फ्रोजन वाला नहीं है, जो मार्केट में नॉर्मल पैकेट में मिलता है ये वही वाला है। और फिर हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो 5 मिनट बाद जब ये बॉईल हो जाए हम इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद हम फिर इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना जरूरी है, तभी जो हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे स्टिक होगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच जितना चावल का आटा और 1 से 1.5 चम्मच जितना मैदा और स्वाद अनुसार नमक। और अगर आपको लगता है आपका कॉर्न सूखा है तो आप इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच पानी मिला सकते हैं। उसके बाद इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छे से चारों तरफ से मिला देंगे ताकि अपना कॉर्न जो है अच्छे से इन सारे सूखे फ्लावर में अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे से कोट हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब हम इसे फिर से एक बड़ी स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो निकल जाए। तो हम इसे थोड़े थोड़े बैचेस में लेंगे और उसके बाद इसे हम इस तरह से शेक करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो नीचे दूसरे एक बाउल में कलेक्ट हो जाए। और इधर मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और जब तेल मीडियम हॉट गर्म हो हम इस तरह का सबसे पहले एक थाली ले लेते हैं और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसे डालते साथ आप थाली को ऊपर से ढक दीजिए, नहीं तो जो हमारा कॉर्न है वो छिटकता है। इसके बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। और जब लगभग 2 से 3 मिनट हो जाए देखिए बबल्स भी अब रिड्यूस हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कॉर्न क्रिस्प ना हो जाए और गोल्डन ना हो जाए। देखिए ये परफेक्ट फ्राई हुआ है। अब आप इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लीजिए, लेकिन ढक्कन डालना मत भूलिएगा। तो मैंने सारे कॉर्न को फ्राई कर लिया है, अब उसे हम एक बॉल में डाल देते हैं। अब हम इसे और भी चटपटा बनाने के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और इसके बिना तो हमारा काम हो ही नहीं सकता, वो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद हम इसे इस तरह से टॉस करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो तैयार है क्रिस्पी कॉर्न सर्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।